तो फ्रेंड्स हो गई है शाम और बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड करा है कि आज डिनर में बनाऊंगी दम आलू। और हमारे दम आलू रेडी हो चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे घर में आई है मेरी ननद और उनका लड़का। आपने उनको भी पहले मेरे काफ़ी व्लॉग्स में देखा हुआ है, जैसे कि लास्ट रक्षाबंधन पे भी आपने देखा होगा। और आज है मावस, और मावस वाले दिन आज हमने लंच में बनाया है पूरी, हलवा, खीर और पेठे की सब्जी। तो बस अब सबके लिए बन रहा है यहाँ पर लंच। ऊपर तो दिखेगा, नीचे दिखेगा नहीं ना यहाँ वाला। बस एक दिन पहले ही, कई दिन पहले। अच्छा, वो अपने एक बार पहले ना गीत गाओगे, बैठ मत जाओ, खुद देंगे। हाँ, इस बार नहीं दूल्हा को बनाऊंगे, दूल्हा तो यही रहेगा, दूल्हा चेंज कर देंगे, सोच लेंगे सोनू का ध्यान, और क्या लेंगे, कष्ट लेंगे, जरा गीत तो कभी भी गा सकते हैं, किरण बन जाएगी किरण। तो फ्रेंड्स हो गई है शाम और बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड करा है कि आज डिनर में बनाऊंगी दम आलू। और दम आलू मतलब ये देखिए, उसके लिए चाहिए छोटे छोटे आलू, और बिल्कुल ये छोटे छोटे आलू मिल भी गए। ये मतलब प्रवीण लाया था गांव से आलू, और बिल्कुल मतलब फ्रेश है, गाँव के हैं ये आलू। और ये देखिए, इतने छोटे छोटे आलू ही चाहिए हमें दम आलू के लिए। तो इसमें अब छोटे छोटे आलू छाटती हूँ, निकालती हूँ छोटे छोटे आलू, और इनका बनाती हूँ आज मैं दम आलू, क्योंकि मैंने शायद 2-3 बार ही दम आलू बनाए हैं
और आज ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसे बनते हैं। और चलो भाई लगते हैं अब डिनर बनाने में, क्योंकि शाम के बज गए हैं 5:30 और चाय वगैरह सबने पी ली है। बस अब डिनर की तैयारी करने लगती हूँ मैं, क्योंकि डिनर बनाने में लग जाएगा आराम से 2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे, क्योंकि दम आलू में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स दम आलू के लिए मैंने चढ़ा दी पहले, सबसे पहले कढ़ाई, उसमें तेल डाल दिया है और अब सारे खड़े मसाले डाल दूंगी। खड़े मसाले भूनने के बाद इसमें मैं डालूंगी कटी हुई प्याज, और प्याज को भी आप अच्छी तरह भून लीजिए। और उसमें फिर मैं डालूंगी लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बिल्कुल अच्छी तरह पक जाए तो उसमें मैं डालूंगी पिसे हुए टमाटर, और टमाटर को भी अच्छी तरह भून लीजिए जब तक मतलब थोड़ा गाढ़ा पेस्ट ना हो जाए। और उसमें मैं डाल दूंगी फिर मसाले। मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही, सिर्फ नमक हल्दी और धनिया पाउडर, सिर्फ ये 3 मसाले डाल रही हूँ। और फिर अच्छी तरह टमाटर भी भुन जाने के बाद, मसाले भी भुन जाने के बाद, इसमें मैं डालूंगी गैस को धीमी करने के बाद, यानी कि आप मंदी कर लीजिए, या फिर अगर मसाला आपका ज़्यादा गर्म है तो आप गैस बंद भी कर सकते हैं। उसमें मैं डालूंगी दही। दही को हल्का सा फेंट लीजिए और उसमें फिर दही को आप डाल दीजिए टमाटरों में, और अच्छी तरह उसको भी पकने दीजिए जब तक ऊपर तेल ना आ जाए। तो आप समझ लीजिए तेल आने के ऊपर आने के बाद तो हमारे टमाटर भी पक चुके हैं और दही भी अच्छी तरह पक चुकी है। और उसमें फिर सबसे पहले मैंने आलू भी उबाल दिए थे। आलू उबालने के बाद मैंने आलू को अच्छी तरह छील दिया है और फिर उनको फ्राई भी कर दिया है। आलू फ्राई करने के बाद और हमारा एक तरफ मसाला भी रेडी हो चुका है, और अब उबले हुए आलू, फ्राई हुए आलू, और हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। और इसमें आपको जितना पानी चाहिए, जितने आप मतलब आप चाहते हैं कि मतलब आप ग्रेवी कम चाहते हैं तो आप पानी कम डाल लीजिए, अगर आप थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो पानी डालने के बाद और आलू भी आप पहले डाल दीजिए, और अच्छी तरह मतलब मंदी गैस पर, धीमी गैस पर आप थोड़ी देर पकने दीजिए। और पकने के बाद कस्तूरी मेथी को तवे पे थोड़ा फ्राई कर लीजिए और उसको हाथ से बिल्कुल अच्छी तरह भिचोर कर आप इसमें सब्जी में डाल दीजिए। और आप देखिए, और लास्ट में जाकर आप डालिए इसमें बटर, और ये हमारी सब्जी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। सौरभ कुछ बोला जा रहा है, जल्दी जल्दी तो जा के तालू ने बिचारा सारो छूट गया, जब तक ये नहीं पिया ना। तो फ्रेंड्स रात के बज गए हैं 11, और मतलब बात करते करते बिल्कुल भी टाइम को पता नहीं चला, और व्लॉग भी तो आज थोड़ा कम बन पाया क्योंकि मेरी ननद आई है पूरे 1 साल बाद, लास्ट रक्षाबंधन पे ही आई थी, तो इसीलिए बात का करते करते टाइम तो कैसे बीत गया बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था। और आपको मेरी ननद की कॉमेडी कैसी लगी आप प्लीज़ ज़रूर बताना, और आज छोटा ही व्लॉग बन पाया। तो फ्रेंड्स आपको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।